नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट के इन्वेस्टर्स को पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य टोकन की कीमतों में तेज गिरावट को बचाना मुश्किल हो रहा है। अमेरिकी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन द्वारा स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को खारिज करने की चर्चा सामने आने से क्रिप्टोकरेंसी मार्केट ने पिछले कुछ दिनों में जमा हुए पूरे लाभ को खत्म कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर लिक्विडेशन प्रेशर पैदा हो गया। अचानक अब तक की तेजी के पीछे का सबसे बड़ा उत्प्रेरक गायब हो गया है, जिससे मार्केट्स में निराशा छा गई है। बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी एक समय के लिए $40,000 के करीब लगभग 10% गिर गई। ये उस स्तर से पीछे हट गया है, लेकिन अभी भी 5.2% नीचे $42,859 पर ट्रेड कर रही है। इथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी ने सूट का अनुसरण किया। यह हाल ही में 6.5% की गिरावट के साथ $2,211 पर ट्रेड कर रही थी। सिंगापुर बेस्ड डिजिटल एसेट फर्म मैट्रिक्स पोर्ट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें SEC द्वारा सभी स्पॉट बिटकॉइन ETF एप्लीकेशंस को अस्वीकार करने की भविष्यवाणी की गई, जिससे उसके मंगलवार के दृष्टिकोण को इमिनेंट अप्रूवल और $50,000 तक BTC रैली का अनुमान लगाया गया। ETFs की मंजूरी को लेकर घबराहट के कारण डेरिवेटिव एक्सचेंजेस में $500 मिलियन मूल्य की पोजीशंस का लिक्विडेशन हो गया। अन्य लार्ज कैप टोकन जैसे XRP, सोलाना, कार्डानो, डोजकॉइन आदि को भारी घाटे में देखा गया। ब्रॉडर मार्केट्स में गिरावट के बीच आर्बिट्रम के ARB टोकन ने $2 के करीब और टोटल वैल्यू लॉक्ड $2.5 बिलियन का एक नया रिकॉर्ड बनाया। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 4.9% गिरकर $1.64 ट्रिलियन हो गई। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 46% बढ़कर $116.6 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $11.2 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $103.3 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम का क्रमशः 9.6% और 88.6% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 51.2% है, जो दिन के मुकाबले 0.16% अधिक है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 5% गिरकर 54,732 पर आ गया। इस बीच ऑब्जर्वर्स का मानना है कि SEC स्पॉट बिटकॉइन ETF को मंजूरी देगा और इसकी संभावना 98% है। हाई प्रोफाइल वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स, ब्लैक रॉक और ग्रे स्केल के बिटकॉइन ETFs के लिए ऑथराइज पार्टिसिपेंट होने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी ने एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर अपनी सप्लाई में उल्लेखनीय कमी का अनुभव किया है, जो अपनी जेनेसिस के बाद से अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। एक्सचेंजेस पर ऑल्टकॉइन का सप्लाई अब इसकी टोटल सप्लाई का 8.04% है, जो जेनेसिस के बाद से सबसे निचला स्तर है। इस कमी को बुलिश माना जाता है, क्योंकि ये ETH पर सेलिंग प्रेशर में गिरावट की थीसिस का समर्थन करता है। इसके साथ साथ ईथर पर एक्टिव एड्रेसेस में वृद्धि ETH प्राइस में सुधार का सुझाव देती है। स्पॉट बिटकॉइन ETF की मंजूरी को लेकर संदेह के कारण 3 जनवरी को बिटकॉइन 8% गिर गया। मंदी ने 1 जनवरी की तेजी को वापस ले लिया, जिससे डेरिवेटिव एक्सचेंजेस में $500 मिलियन मूल्य की स्थिति समाप्त हो गई। वीक क्रिप्टो माइनिंग स्टॉक्स और क्रिप्टो संबंधित अमेरिकी शेयर्स में सेल ऑफ के कारण मार्केट में स्टेलमेट देखा गया, जिससे स्केप्टिसिज्म को बल मिला। रॉयटर्स ने बताया कि बिटकॉइन रॉयटर्स को मंगलवार या बुधवार तक मंजूरी मिल सकती है। हालांकि फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म मैट्रिक्स पोर्ट ने आशावादी उम्मीदों का खंडन करते हुए कहा कि सभी एप्लीकेशंस एक महत्वपूर्ण आवश्यकता से कम है, जिसे SEC द्वारा मंजूरी देने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। लेयर वन ब्लॉकचेन सोलाना ने क्रिप्टो कम्युनिटी में महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स हासिल किए हैं। पहली बार 7 दिवसीय स्टेबल कॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम में इथेरियम को पीछे छोड़ दिया है। सोलाना का स्टेबल कॉइन ट्रांसफर अन्य सभी नेटवर्क से बेहतर प्रदर्शन करते हुए $103 बिलियन तक पहुंच गया। इथेरियम ने $90.9 बिलियन के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जिसके बाद ट्रॉन $82.3 बिलियन के साथ तीसरे और BNB चेन $14.6 बिलियन के साथ चौथे स्थान पर रहा। सोलाना बेस्ड USDC ने वॉल्यूम के हिसाब से सबसे अधिक ट्रांजैक्टेड स्टेबल कॉइन के रूप में ट्रॉन बेस्ड USDT को पीछे छोड़ दिया है। दिसंबर में सोलाना ने NFT ट्रेड वॉल्यूम में इथेरियम को पीछे छोड़ दिया। $366.6 मिलियन के ट्रेड्स की मेजबानी की, जबकि इथेरियम ने $353.2 मिलियन दर्ज किए। हालांकि सोलाना की NFT सेल्स $329.3 मिलियन थी, जो इसी अवधि के दौरान इथेरियम की $345 मिलियन से 5% कम थी। US सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कानूनी क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें मिश्रित लाभ हो सकते हैं, जबकि AI गरीब वादियों के लिए न्याय तक पहुंच बढ़ा सकता है, लीगल रिसर्च में क्रांति ला सकता है और मामलों को अधिक तेजी से और सस्ते में सुलझाने में अदालतों की सहायता कर सकता है। ये गोपनीयता संबंधी चिंताओं और प्राइवेसी को दोहराने में असमर्थता
को भी बढ़ाता है। रॉबर्ट्स ने प्रेडिक्ट किया है कि ह्यूमन जजेस कुछ समय के लिए आसपास रहेंगे, लेकिन उनका अनुमान है कि एआई जुडिशियल वर्क को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा, खासकर ट्रायल लेवल पर। ये कानून पर एआई के प्रभाव पर अब तक की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि ये निचली अदालतों के साथ मेल खाता है जो बार परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम एक नई तकनीक को अपनाने के तरीके से जूझ रहे हैं, लेकिन फिक्टिशियस कंटेंट जनरेट करने की भी संभावना है, जिसे हैलुसिनेशंस के रूप में जाना जाता है। रॉबर्ट्स ने एआई के किसी भी उपयोग में सावधानी और विनम्रता की आवश्यकता पर जोर दिया है। जापानीज गेम डेवलपमेंट और पब्लिशिंग कंपनी स्क्वायर एनिक्स ने घोषणा की है कि वे भविष्य की गेम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एआई पर भारी निर्भर रहेगी। कंपनी के प्रेसिडेंट तकाशी किरियो ने एक नए साल के लेटर में लिखा कि कंपनी हमारे कंटेंट डेवलपमेंट और हमारे पब्लिशिंग फंक्शंस दोनों में एआई और अन्य कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को लागू करने में आक्रामक होगी। लेटर में किरियो लिखते हैं कि जनरेटिव एआई में न केवल हम जो बनाते हैं उसे दोबारा आकार देने की क्षमता है, बल्कि प्रोग्रामिंग सहित उन प्रक्रियाओं को फंडामेंटली बदलने की भी क्षमता है जिसके द्वारा हम बनाते हैं। केरल भारत के कोची में एक एआई ग्लोबल समिट की मेजबानी करने के लिए तैयार है, क्योंकि आईबीएम शहर को एआई असिस्टेड टेक्नोलॉजी के लिए अपना देश केंद्र बनाने की योजना बना रहा है। इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री पी राजीव और इंडस्ट्रीज प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुमन बिल्ला ने कोची में आईबीएम का एक एआई हब शुरू करने की संभावना पर चर्चा करने के लिए आईबीएम इंडिया के साथ बातचीत की। एक इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है और ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट साल के मध्य में कोची में आयोजित होने की उम्मीद है। ये शहर दुनिया भर के टॉप टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को आकर्षित करेगा, जो रिवर्स माइग्रेशन को चिन्हित करेगा और अन्य इंडस्ट्री प्लेयर्स को भी इसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करेगा। प्रस्तावित कोची हब जनरेटिव एआई पर काम करेगा। एक टेक्नोलॉजी आईबीएम पहले से ही बोइंग जैसे इंटरनेशनल दिग्गजों को प्रदान करती है। समिट का आयोजन राज्य के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, आईटी पार्क्स, केरला स्टार्टअप मिशन, डिजिटल यूनिवर्सिटीज और एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के सहयोग से किया जाएगा। ताइवान के पूर्व प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि नए राष्ट्रपति को नए राज्य मुख्य के शपथ ग्रहण का जश्न मनाने के लिए कमोमरेटिव कॉइन की बजाय एक नॉन फंजिबल टोकन जारी करना चाहिए। सेंट्रल बैंक इस अवसर को चिन्हित करने के लिए कॉइन्स जारी करेगा, लेकिन शेन का मानना है कि बैंक ताइवान के नए राष्ट्रपति के साथ शपथ ग्रहण का जश्न मनाने के लिए एनएफटी लॉन्च करने वाला पहला देश बनने में मदद कर सकता है। एनएफटी सत्ता परिवर्तन का जश्न मनाने का एक पर्यावरण अनुकूल तरीका होगा, राज्य के नए प्रमुख के लिए एक प्रेजेंट होगा। सेंट्रल बैंक एनएफटी पर निर्णय लेने से पहले निर्वाचित राष्ट्रपति की इच्छाओं पर विचार करेगा, जो यूके सरकार की एक समान योजना के समान है, जिसने एनएफटी की गिरावट और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के संकट के कारण कभी परिणाम नहीं दिया। 2023 में नॉन फंजिबल टोकन की सेल्स 8.7 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है, जो पिछले साल से 63.35% कम है। साल के अंत में मांग में वृद्धि के बावजूद एनुअल टोटल 2019 के 3.75 बिलियन डॉलर्स के बाद से सबसे कम रहा। हालांकि एनएफटी ट्रांजैक्शंस की संख्या बढ़कर 90 मिलियन हो गई, जो 2022 में 54 मिलियन से अधिक हो गई। CryptoSlam.io के डेटा से पता चलता है कि 2023 में NFTs के 4.16 मिलियन बायर्स और 4.97 मिलियन सेलर्स थे। बिटकॉइन और सोलाना ने साल के अंत में सेल्स में पर्याप्त वृद्धि का अनुभव किया। नवंबर और दिसंबर में बिटकॉइन ने इथेरियम से बेहतर प्रदर्शन किया। हाल ही में सोलाना की बढ़ती किस्मत ने NFT मार्केट में एक आश्चर्यजनक परिणाम दिया है। नेटवर्क पर NFT के मंथली सेल्स वॉल्यूम ने दिसंबर 2023 में पहली बार इथेरियम पर NFTs की सेल्स को पीछे छोड़ दिया है। एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म CryptoSlam के डेटा से के अनुसार दिसंबर में सोलाना NFTs की सेल्स लगभग 366.5 मिलियन डॉलर्स रही, जबकि इथेरियम पर ये 353.2 मिलियन डॉलर्स थी। CryptoSlam के ऑर्गेनिक सेल्स फिगर्स में वॉश ट्रेडिंग के रूप में चिन्हित सस्पिशियस ट्रेड्स को शामिल नहीं किया गया है, जिसमें लगभग 381 मिलियन डॉलर्स मूल्य की इथेरियम सेल्स शामिल नहीं है और सिर्फ 10.1 मिलियन डॉलर्स मूल्य की सोलाना सेल्स निकाली गई है। सोलाना में दिसंबर में भी यूनिक बायर्स और सेलर्स की संख्या लगभग दुगनी और टोटल NFT ट्रांजैक्शंस कहीं अधिक देखी गई हैं। CryptoSlam ने लगभग 6.6 मिलियन NFT ट्रांजैक्शंस में सोलाना पर 218,000 बायर्स और 279,000 खरीदारों की रिपोर्ट दी है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।